पश्चिम बंगाल के आरजे कर अस्पताल में हुई घटना के बाद, जिसमें एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद देश भर में पिछले दो हफ्तों से ज़्यादा समय से लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तमाम डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। यहाँ दिल्ली के सभी रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हैं अलग अलग अस्पतालों के, एम्स के, LNJP अस्पताल के, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के, सफदरजंग के, सभी यहाँ पर लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक जो अहम मांग है वो है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर लगातार यहाँ पहुँचे हुए हैं। सीधे कुछ डॉक्टर से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राधिका शर्मा। कौन से अस्पताल से? लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को आश्वासन दिया है कि टास्क फोर्स बना रहे हैं, CBI लगातार जाँच पड़ताल कर रही है, किस बात को लेकर प्रदर्शन हुआ? अभी हम लोग की स्ट्राइक कल तक कंटिन्यू है। कल के हियरिंग के बाद आगे के स्टेप्स लिए जाएंगे। आश्वासन इज नॉट द सेम एज कॉन्क्रीट बुलेट पॉइंट्स विच गिव अस अ पाथलाइन टू फॉलो। अभी हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं कि कल के हियरिंग के बाद हमें क्या नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। मेन चीज हमारे लिए है कि RG Kar के इंसिडेंट में जस्टिस इज सर्व, एंड उसके बाद आता है हमारा CPA का मांग। CPA के लिए जो भी टास्क फोर्स बनाई गई है उसमें हम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की मांग करते हैं, ताकि रेजिडेंट्स, नर्सेज एंड अदर पैरामेडिकल स्टाफ आल्सो हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वो भी इन हादसों के उतने ही शिकार होते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर आप पोस्टर देख सकते हैं और इस पर लगातार जो है वो देख सकते हैं किसे लिखा हुआ है नीचे, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। डॉक्टर्स अपनी सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर लगातार ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो पहुँचे हुए हैं। इस तरफ भी आपको तमाम डॉक्टर्स दिखेंगे, इनसे भी बात करने की हम कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं लेडी हार्डिंग की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये बताइए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर लगातार मांग चले, कब तक ये प्रदर्शन आप लोगों का चलता रहेगा? प्रोटेस्ट तो तब तक चलता रहेगा जब तक हमें कुछ मिलता नहीं है, जब तक जस्टिस तो सुप्रीम कोर्ट देख रही है, पर हमें CPA के लिए कुछ चाहिए। तो देखिए, ये तमाम अलग अलग हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स यूनियन LMHC से ये पहुँचे हुए हैं और अलग अलग अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस से तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। 10 दिन से ज़्यादा का समय हो चला है और इस घटना के बाद लगातार अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के तमाम रेसिडेंट डॉक्टर्स अभी तक हड़ताल पर बैठे हुए हैं और कहना साफ है कि जब तक हमें सेफ्टी सुरक्षा नहीं मिलती है तब तक हम वापस ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।